नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के ध्वज को सात समंदर पास शिकागो की धर्म संसद में लहराया था। विमल द्विवेदी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर नर सेवा नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच द्वारा कार्यालय पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें स्वामी विवेकानंद को कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई व प्रमुख वक्ताओं द्वारा उनके जीवन व विचारों पर चर्चा की गई व युवाओं को उनसे प्रेरित होकर देश धर्म के लिए कार्य करने का आह्वान किया गया। नरसेवा नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच संस्थापक विमल द्विवेदी ने कहा, स्वामी विवेकानंद भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रतिबिंब हैं। भारत जब गुलामी की जंजीरों में पकड़ा जकड़ा था, तब उन्होंने भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के ध्वज को सात समंदर पार शिकागो की धर्म संसद में 1893 में लहराया था। साथ ही भारत भ्रमण कर युवाओं में आत्मविश्वास भरने व गुलामी की जंजीरें तोड़ने का आह्वान किया था। विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें आज विवेकानंद जी से प्रेरित होने व उनके ओजस्वी विचारों पर चलने की आवश्यकता है, तभी भारत पुनः विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रभु श्री राम जी की अयोध्या वापसी पर आगामी 22 जनवरी को जनपद के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान व दीपोत्सव व धार्मिक आयोजन करने का आग्रह किया। साथ आम जनमानस से अपने अपने घरों व आसपास के मंदिरों में श्री राम ज्योति जलाकर घरों व मंदिरों को रोशन करने की अपील की। इस अवसर पर मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, वीरांगना प्रमुख नीतू सिंह सेंगर, जिला सह संयोजक संयोजक विष्णु गुप्ता, नगर संयोजक विकास सिंह सेंगर, धर्मेंद्र शुक्ला, राघवेंद्र पांडे, अखिल मिश्रा, मनीष अवस्थी, शिवम, अंशु शुक्ल, कमलेश वाजपेयी, योगेंद्र तिवारी, शिवम वर्मा, वैभव कुशल, अनिल सोनी, राज वर्मा, मुकेश दीक्षित, केतन अवस्थी, अमन तिवारी सहित आधा सैकड़ों पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर